सुप्रभात। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, कल हमने पढ़ा कि चाणक्य ने उस बालक की माता को उसे उचित शिक्षा दिलाने के लिए नंद के पास जाने की सलाह दी। सलाह मानकर वह स्त्री बालक को लेकर नंद के दरबार में पहुंची। वहां मोम से बने परंतु वास्तविक लग रहे शेर को बिना पिंजरा तोड़े बाहर निकालने की समस्या पर विचार हो रहा था। आइए बच्चों, उससे आगे पढ़ते हैं। बालक ने पिंजरे में बंद सिंह को ध्यान से देखकर कुछ सोच विचार किया। फिर वह निर्भीकता से बोला, यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं पिंजरे को खोले बिना सिंह को बाहर निकाल सकता हूँ। यह सुनकर बालक की माँ भय से कांप उठी, पर बालक निर्भीकता से खड़ा रहा। राजा नंद बालक का अद्भुत तेज देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, यदि तू पिंजरे से सिंह को बाहर ना निकाल सका तो किसी सिंह के साथ तुझे भी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। बच्चों, इस अनुच्छेद में आए कठिन शब्द इस प्रकार है, निर्भीकता, अद्भुत, आश्चर्य। बच्चों, आइए आगे पढ़ते हैं। बालक ने पहले जैसी निर्भीकता से उत्तर दिया, मुझे स्वीकार है। फिर क्या था, बालक को अनुमति मिल गई। बालक पिंजरे के पास जा पहुंचा। पहले उसने पिंजरे को देखा और फिर पिंजरे में बंद सिंह को। वह समझ गया कि उसे क्या करना है। बालक ने लोहे की लंबी लंबी छड़े ली। वह लोहे की छड़ों को गर्म करके सिंह को छुआने लगा। कुछ देर बाद मोम का बना हुआ सिंह पिघल गया और पिंजरा खाली हो गया। राजा नंद और उनकी राजसभा के सभी विद्वान बालक की बुद्धि और चतुराई पर मुग्ध हो गए। राजा नंद बोले, बुद्धिमान बालक, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम क्या चाहते हो? बालक सोचने लगा, लेकिन बालक की माँ बोल उठी, महाराज, आप इसकी शिक्षा का प्रबंध कर दीजिए। नंद ने बालक को तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। यही बालक बड़ा होकर चाणक्य की सहायता से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना। किसी ने सच ही कहा है, होनहार वीरवान के होत चीखने पात। बच्चों, इस अनुच्छेद में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं, स्वीकार, अनुमति, पिंजरा, राजसभा, विद्वान, बुद्धिमान, तक्षशिला, चंद्रगुप्त मौर्य। बच्चों, इस पृष्ठ में आए शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। नंबर एक, प्रबंध यानी इंतजाम। नंबर दो, अवसर अर्थात मौका। नंबर तीन, निर्भीकता, इसका अर्थ होता है निडरता। नंबर चार, प्रसन्न यानी खुश। नंबर पांच, बुद्धिमान अर्थात समझदार। नंबर छह, अद्भुत यानी अनोखा। गतिविधि एक,
उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे बंद का विलोम शब्द खुला, बाहर का विलोम शब्द अंदर, पहले का विलोम शब्द बाद में, पास का विलोम शब्द दूर, गर्म का विलोम शब्द ठंडा, चतुराई का विलोम शब्द मूर्खता, बड़ा का विलोम शब्द छोटा, सच का विलोम शब्द झूठ। गतिविधि दो, बच्चों निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि यह वाक्य किसने किससे कहे। नंबर एक, यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं पिंजरे को खोले बिना सिंह को बाहर निकाल सकता हूँ। यह वाक्य बालक ने राजा धनानंद से कहे। वाक्य नंबर दो, बुद्धिमान बालक मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। यह वाक्य राजा धनानंद ने बालक से कहे। गतिविधि तीन, बच्चों शब्दों के आरंभ में यानी शुरू में वि उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाओ। नंबर एक, वि जमा राजमान विराजमान। नंबर दो, वि जमा चार विचार। नंबर तीन, वि जमा द्वान विद्वान। नंबर चार, वि जमा द्यालय विद्यालय। नंबर पांच, वि जमा श्व विश्व। नंबर छः, वि जमा जय विजय।